मैं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल से और उनके प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या ये भवन जो था उसका रिपेयर मेंटेनेंस और करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके इसलिए बनाया गया था कि ये करोड़पति लोग वहां पर आके बिजनेस करे, धंधा करे, या फिर आपने इसलिए ही वो मरम्मत कराई करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके कि उसको करोड़पति मित्रों को देकर उनसे मोटी रकम लूटी जाए, ऐठी जाए और हमारे गरीब लोगों को लूटा जाए? पहले विकास राशि का, प्रदेश की विकास राशि का उपयोग करके लग्जरियस सर्किट हाउस बनाए जाते हैं और बाद में वो प्राइवेट को बेच दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन मुझे जवाब देगा कि ये विकास राशियों का उपयोग है या दुरुपयोग है? ये भवन क्यों बनाए गए थे? अब दिल्ली कोई जाएगा तो वो कहां रुकेगा? नमस्कार, कल मैंने शाम को एक शॉकिंग और दुखद न्यूज सुनी। हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के लिए दिल्ली में रुकने के लिए एक भवन हुआ करता था, दादरा नगर हवेली और दमन दीव भवन, जहां पर दमन से जो भी व्यक्ति वहां जाता था उसके लिए खासियत था, जिसका भाड़ा मिनिमम था 1000-1200 रुपये। वह भवन अब प्राइवेट जिंजर नाम की संस्था को दिया गया। अब वहां पर से मुझे कल फोन आया, दमन दीव के लोग वहां रुकने गए होंगे तो उनको होटल, एक लग्जरियस होटल का भाड़ा चुकाने के लिए बोला गया, जो 1200 रुपये था उसका भाड़ा 5000 से स्टार्ट हुआ। मैं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल से और उनके प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या ये भवन जो था उसका रिपेयर मेंटेनेंस और करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके इसलिए बनाया गया था कि ये करोड़पति लोग वहां पर आके बिजनेस करे, धंधा करे, या फिर इसलिए बनाया गया था कि दमन दीव के, दादरा नगर हवेली के गरीब लोग वहां अगर जाए दिल्ली में तो से यहाँ के कुछ अधिकारी जाए, कर्मचारी जाए तो उनको मिनिमम रेट में वहां पर सहूलत मिले, यहाँ के जनप्रतिनिधि वहां जाए तो उनको वहां पर मिनिमम रेट से आशियाना मिले, या फिर आपने इसलिए ही वो मरम्मत कराई करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके कि उसको करोड़पति मित्रों को देकर उनसे मोटी रकम लूटी जाए, ऐठी जाए और हमारे गरीब लोगों को लूटा जाए? दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों को जागने की जरूरत है। पहले दमन में भी जो सर्किट हाउस बनाएगा करोड़ों रुपया का, मुझे जहां तक पता है 100-150 करोड़ का सर्किट हाउस होने की बात कही गई, उसको भी प्राइवेट को दे दिया गया। फिर सर्किट हाउस बनाएगा दीव में, दीव के भी सर्किट हाउस को ऐसे ही पहले विकास राशि का, प्रदेश की विकास राशि का उपयोग करके लग्जरियस सर्किट हाउस बनाए जाते हैं और बाद में वो प्राइवेट को बेच दिए जा रहे हैं। और मजे की बात, वो जो सर्किट हाउस होते हैं, जो भवन होते हैं, उसमें किसी जनप्रतिनिधि को भी रूम नहीं दिया जाता। ये भाई इतने रूम जो है वो संघ प्रदेश के लोगों के लिए रहेगी, वैसा भी नहीं। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मुझे सांसद को भी रूम नहीं मिलती वहां पर। तो फिर छोटे गरीब व्यापारी लोगों को या दूसरे जनप्रतिनिधियों की तो क्या हालत है? क्या प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी मुझे जवाब देंगे या भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन मुझे जवाब देगा कि ये विकास राशियों का उपयोग है या दुरुपयोग है? ये भवन क्यों बनाए गए थे? अब दिल्ली कोई जाएगा तो वो कहां रुकेगा? ये भवन से तो सस्ता होटल और लॉज हो गया है। ये भवन हमारी सुखाकारी के लिए थे, हमारी सुविधा के लिए थे, हमारे लोगों के आशियाने थे। दमन और दीव में भी 600-700 किलोमीटर की दूरी है, दीव के लोग यहां आते हैं तो वो कहां रुकते हैं? बेचारे इधर उधर भटकते हैं। जब दीव के लोग यहां रहते हैं तो दीव के लोगों को आशियाना मिल जाता है, चलो कोई रिलेटिव के घर रुक जाता है, मगर वो वहां पर भी तो मजबूरी से रुकता है। और दमन का भी हाल दीव में ऐसा ही हो रहा है, आज दिल्ली में भी आपने ऐसा ही स्थिति कर दी, ये हो क्या रहा है? तो आज मैंने इस विषय पर दमन के प्रशासक जी के एडवाइजर को पत्र लिखा है और तुरंत दिल्ली का भवन और दमन के जितने भी सर्किट हाउस जो प्राइवेट को दिया है, वो तुरंत
उनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द करें और निजी हाथों से संस्था सरकार के पास दिए, और ये जो भवन है ये लोगों की सुविधा के लिए, सुखाकारी के लिए, धंधा करने के लिए नहीं। और वो सारे लेटर मैं भारत सरकार में भी लिख रहा हूँ और भारत सरकार को भी अवगत करा रहा हूँ कि हमारा प्रशासन कितना निर्दयी होकर हमारी विकास राशि का दुरुपयोग करके अपने करोड़पति मित्रों को फायदा पहुंचा रहा है। उम्मीद करता हूँ प्रशासन भी जागेगा और सरकार भी उस पर संज्ञान लेगी। धन्यवाद।